तो दोस्तों फाइनली बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि जौनपुर यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम की टाइम टेबल आ चुकी है, किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है, किस टाइम पे है, ये सारा डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि स्कीम आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और हाँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये टाइम टेबल आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर जौनपुर यूनिवर्सिटी यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, तो फाइनली उसकी भी स्कीम आ चुकी है, फिलहाल आ चुकी थी तो मैंने इसके लिए इन्फॉर्मेशन किया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो छूटे हुए थे उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का मेरा मकसद मेन यही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रथम पाली और द्वितीय पाली दो शिफ्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम के। पहला शिफ्ट है 7:30 से 10:30 और दूसरा शिफ्ट है 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। अब हम आते हैं जब एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले 25 फरवरी 2020 से, ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो जो पहला एग्ज़ाम है वो है बीए भाग 1 और बीए भाग 3 का, ठीक है, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू। जिन भी स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम 25 फरवरी 2020 को है, ठीक है। और यहीं पे आप लोगों को प्रथम प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा, यानी कि प्रथम पेपर है। और साथ ही साथ आप सेकेंड का भी देख सकते हैं कि बीए बीएससी बीकॉम में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन उर्दू से है उनका भी है। नेक्स्ट पे आते हैं बीपीआई, ये जो भी स्टूडेंट इसके हैं वो देख लेंगे, 44 से मुझे नहीं मतलब है, 27 फरवरी 2020 को बीएससी भाग 1 का सांख्यिकी है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र, और बीएससी सेकेंड में सांख्यिकी भी है प्रथम, यानी कि बीएससी भाग 2 में सांख्यिकी है और प्रथम प्रश्न पत्र है। अब नेक्स्ट है बीए भाग 1 संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, जिनका भी है, भाग बीए भाग 3 में उर्दू, बीएससी भाग 1 में बायोटेक, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि इसके बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे, तो जिसके ज़्यादा स्टूडेंट हैं हम उनकी बात ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, आप लोग देख सकिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे, राजनीतिक शास्त्र, तो उन लोगों का 3 मार्च 2020 में बीए भाग 1 का राजनीतिक शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। वहीं पर बीए भाग 2 वालों का भी राजनीतिक प्रथम प्रश्न पत्र है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और बीए भाग 3 वालों का भी राजनीतिक शास्त्र है, बीकॉम भाग 2 वालों का इसमें डैश कर दिया गया है, कोई बात नहीं है। तो जिन स्टूडेंट का जो भी ये पेपर है वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा क्योंकि सभी स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद सांख्यिकी जिनका भी ये देख लीजिएगा, हम मेन मेन आप लोगों को बता दे रहे हैं, और 6/3 को देख लीजिएगा, भाग 1 का द्वितीय पेपर है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर का राजनीतिक साथ द्वितीय पेपर, अभी ऊपर फर्स्ट था अब द्वितीय हो गया, ठीक है, भाग 3 का भी द्वितीय है, देख लीजिए। इसी तरह आप इस इधर भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है समाजशास्त्र, ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास भी देख लीजिएगा, समाजशास्त्र पहले है, इतिहास का भी ये देखो है, ठीक है। उसके बाद समाजशास्त्र है भाग 1 भाग 3 का प्रथम पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है बे भाग 1 का प्रारंभिक इतिहास है द्वितीय पेपर, अभी फर्स्ट ओपर हो गया, द्वितीय पेपर ये है, ठीक है। समाजशास्त्र का फर्स्ट ओपर हो गया, सेकेंड ये देखो द्वितीय पेपर 18/3 को, यानी कि 18 मार्च 2020 को आप लोगों को समाजशास्त्र का द्वितीय पेपर है। तो आप इसी तरह सारी स्कीम देख लीजिएगा, बीएससी वाले भी देख लेंगे अपना, बीकॉम वाले भी देख लेंगे। जो बीएससी वाले भाग 1 है उनका यहाँ से स्टार्ट है, देख सकते हैं, ठीक है, 21 मार्च 2020 से भौतिक विज्ञान का उनका लोगों का द्वितीय प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं हम बीए फर्स्ट ईयर भाग 3 और भाग 1 की, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए उन लोगों का हिंदी है, भाग 3 वालों का और भाग 1 यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों का हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो इसी तरह और भी स्कीम है, ये सारी पूरी स्कीम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक है। मैं अगर सारे के बारे में डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलेंगे टाइम लॉस हो रहा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, बस यहीं पे एंड हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूँ ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पीडीएफ मैंने
जौनपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करी है। इसमें पूरा दिया गया है टाइम टेबल, किस डेट को किस टाइम पे कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको लोगों को बता देता हूँ इसे कहाँ से डाउनलोड करना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिस पे लिखा होगा sandeepinfo.com, ठीक है, वहाँ पर मैं ये पूरी PDF वहीं पे मैं सेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, संदीप इन्फो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी स्कीम 2020, बस उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, उससे ज्वाइन हो जाइए, मैं उस पर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो उसका भी आ चुका है, मैंने उसके लिए वीडियो बना दी है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। जो स्टूडेंट कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं उनकी अभी नहीं आई है, जैसे भी आएगी मैं इनके लिए इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अदर यूनिवर्सिटी से होंगे, जो भी जिनको भी चाहिए कुछ भी, आप लोगों को मॉडल पेपर या कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ स्कीम भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं भी अगर उनका आया होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि हाँ इस यूनिवर्सिटी की भी स्कीम आ चुकी है, ठीक है। तो बस यही जानकारी देनी थी इसलिए वीडियो बनाई। और हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर भी आप लोगों को बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।